हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। टुडे वी आर मेकिंग आलू गोभी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम गोभी को डीप फ्राई कर लेते हैं। हमने गोभी के फूलों को अच्छे से धोकर सुखा के उसके बाद ऑयल में डीप फ्राई किया है। हम इसको बीच बीच में पलटे की सहायता से चलाते रहेंगे। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको साइड में अलग निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है गोभी में। ऐसे ही अब हम इसमें आलू भी डीप फ्राई कर लेंगे। आलू को अच्छे से धोकर सुखा के उसके बाद ही इसको डीप फ्राई करें। आलू को भी बीच बीच में चलाते रहें। आलू को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब चलिए इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून चना मसाला, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 व्हाइट सॉल्ट, 1 चम्मच देगी मिर्च। आप मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया गार्निश करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे आलू और गोभी में अच्छे से मसाला रैप हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कलर आना स्टार्ट हो गया है। ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब हम इसमें 1 लेमन स्क्वीज कर देंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। उसे एक बार फिर मिक्स करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर दीप एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो।